उदयपुर में जिस तरह से घटना सामने आई, अब यहाँ पर बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं हम अपने सहयोगी चैनल फर्स्ट इंडिया की। लेकिन इससे पहले किसी भी तरह की कोई और अवांछनीय घटना ना हो, इसको लेकर भी लगातार मुस्तैदी बरती जा रही है। ड्रोन के मार्फत ये जो पूरा एरिया है, चूंकि सघन इलाका है, चारों तरफ ऊपर पहाड़ी है और पहाड़ी पर भी लोग जो है वो बसे हुए हैं, तो ड्रोन से जो है इस पूरे दृश्य को देखा जा रहा है कि कहीं पर किसी तरह की कोई अवांछनीय घटना ना हो, और उससे निपटने के लिए पुलिस का बड़ा जाब्ता जो है वो मौके पर है। और अब जो है किसी भी वक्त आप मान के चलिए, क्योंकि अब ये जो घर है इसका पूरा सामान जो है उसको शिफ्ट कर दिया गया है, नगर निगम के ट्रैक्टर के मार्फत इनको अनियंत्र शिफ्ट किया जा रहा है। और अब जो है थोड़ी देर में जो बुलडोजर है निगम के, पीला पंजा जिसको कहते हैं, वो शुरू हो जाएगा, अपनी कार्रवाई को अंजाम देगा। और इसके बाद ये मैसेज जो है, संभव है कि जिस तरह से तनावपूर्ण हालात हुए थे, लोगों की मांग थी कि जो आरोपी पक्ष है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए, और उसी दिशा में ये कड़ी कार्रवाई जो है वो की जा रही है। और इस कार्रवाई के बाद एक मैसेज जो है वो जनता के बीच जाएगा कि जो भी गलत करेगा, जो भी आरोपी है, जो भी इस तरह की घटनाओं में संलिप्तता बरतेगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और रवि, कहीं ना कहीं बहुत जरूरी भी हो जाता है ये मैसेज ज्यादा समाज में, ताकि जो लोग हैं उनको ये समझ में आए कि प्रशासन किस तरह से मुस्तैद है। लेकिन रवि, आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से हम अभी फिलहाल देख पा रहे हैं कि शिफ्टिंग जो है वो यहाँ पर की जा रही है, क्या लग रहा है कब तक कार्रवाई शुरू होगी और कब तक ये कार्रवाई चलेगी? बिल्कुल, देखिए करीब अभी मैं यहाँ मौके पर हूँ, और आप समझिए कि इलेक्ट्रिक कनेक्शन जो है उसको डिस्कनेक्ट कर दिया गया है। ऊपर छत पे जो जाप्ता है निगम के अतिक्रमण निरोधी दस्ते का, वो छत पर है, और जो भी चीजें हैं, जो इस घर में रहने वाले लोगों की जो भी वस्तुएं हैं जो कि इस कार्रवाई में खराब ना हो, इसको लेकर भी सावचेती बरती जा रही है। और इसी वजह से ये जो पूरा इनके घर का सामान है, चूंकि एक लोडिंग ऑटो ऑलरेडी चला गया था लेकिन सामान ज्यादा था, ऐसे में दो और ट्रैक्टर जो है निगम की ओर से भेजे गए जिनमें की सामान को लोड किया गया है। और अब यहाँ से इस सामान को जो भी ये जो लोग इसमें रह रहे हैं, जिसमें एक जो अटेंडेंट यानी कि किराएदार है, वो व्यक्ति है जिसके पुत्र ने इस घटना को अंजाम दिया, और एक और किराएदार, दो किराएदार इस घर में रह रहे थे, तो दोनों ही किराएदारों का सामान जो है उसको यहाँ से निकाला गया है। और अब जो है इस घर को तोड़ने की कार्रवाई जो है वो शुरू की जाएगी। और इसके अलावा इस इलाके में कुछ और भी जो घर है उनको भी, उनके मालिकों को भी ये नोटिस जो है वो दिए गए हैं कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसको उनके स्तर पर हटाएं, लेकिन फिलहाल जो आरोपी पक्ष का जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसको पूरी तरीके से जमींदोज करने की प्रक्रिया जो है, आप मानिए कि कुछ 15 से 20 मिनट में संभव है कि ये कार्रवाई शुरू हो जाएगी, इसको तोड़ दिया जाएगा। और बार बार हम लोग जो लगातार कह रहे हैं कि सभी शांति बनाए रखें, शांति कायम हो उदयपुर में, इसको लेकर जिला प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। कोशिश यही की जा रही है कि अमन और चैन की बहाली हो लगातार, चाहे आप अभी थोड़ी देर पहले आईजी रेंज उदयपुर को सुन रहे थे, जिला कलेक्टर को सुन रहे थे, तो सभी जो जिम्मेदार हैं उनकी कोशिश यही है, कवायद यही है कि जल्द से जल्द उदयपुर का अमन और चैन जो है वो लौटे, यहाँ पर जो टूरिस्ट की जो बहार होती है वो फिर से बरकरार हो, किसी तरह से कोई भी अवांछनीय घटना ना होने पाए, और दूसरी तरफ जो घायल छात्र है उसका बेहतरीन से बेहतरीन इलाज जो है वो संभव हो, इस बात को लेकर उस इलाज को सुनिश्चित करने के लिए जैसा कि देखा भी कि तीन डॉक्टर्स जो है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जो है, सुपर स्पेशलिटी के जो डॉक्टर्स हैं वो जयपुर से भेजे गए, और यहाँ पर पहुंचते ही उन्होंने भी अपनी इलाज जो है बच्चे का वो और बेहतर ढंग से शुरू हो, इस बात को लेकर उन्होंने व्यवस्था सुनिश्चित की। तो कुल मिलाकर हर एंगल पर पुलिस और प्रशासन और जिम्मेदार जो अधिकारी हैं वो नजर बनाए हुए हैं, जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, इस बात को भी सुनिश्चित किया जा रहा है, और साथ ही साथ बेवजह का तनाव ना उपजे, बेवजह तनावपूर्ण हालात ना हो, इस बात को लेकर भी प्रशासन मुस्तैदी बरत रहा है। बिल्कुल रवि, देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जीरो टॉलरेंस की नीति है, और शायद जिस तरह से इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं जो उपद्रवी है उनकी यहाँ पर खैर नहीं है, उनको एक संदेश देने की कोशिश। इसके अलावा अगर देखिए रवि, जो घायल छात्र है उसको उपचार दिया जाए, अच्छा से अच्छा उपचार उसको मिले, इसीलिए SMS की एक्सपर्ट की जो डॉक्टर्स की टीम
टीम है वो यहाँ पर उसके लिए उपचार के लिए पहुंची। तो दो संदेश यहाँ पर कि किसी भी कीमत पर उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा, और दूसरा जिम्मेदारी यहाँ पर ये ली गई है कि जो छात्र है उसको अच्छे से अच्छा उपचार मिले। रवि बिल्कुल, देखिए किसी भी स्टेट की और कंट्री की जो गुड गवर्नेंस है उसका मॉडल भी कमोवेश यही कहता है, इसी बात की ओर इशारा करता है कि जो सही लोग हैं उनके अधिकारों का हनन नहीं हो और जो गलत है उनको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाए, कानून संबंध जो भी कार्रवाई हो सकती है वो की जाए। और इसी तरह की कार्रवाई, इसी तरह की गुड गवर्नेंस का मैसेज जो है वो भजनलाल सरकार देने की कोशिश भी कर रही है कि एक तरफ ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ अप्रत्याशित घटनाक्रम था, अचानक हुआ घटनाक्रम था जिसमें दो बच्चों की आपसी लड़ाई हुई और उसके बाद ये तनाव इतना बढ़ गया कि इसने सांप्रदायिक रंग ले लिया, लेकिन इस सबके बावजूद पुलिस और प्रशासन ने इस बात को पूरी तरीके से एक तरीके से कहे तो संकल्पित नजर आया पुलिस और प्रशासन कि जो भी चाहे जो सेंसिटिव इलाके हैं वहां पर रहने वाले जो लोग हैं उन पर भी किसी तरह की कोई आपत्ति विपत्ति ना आए, किसी तरह की अवांछनीय घटना वहां पर ना हो, और दूसरी तरफ जो पीड़ित पक्ष है उसके अधिकारों का हनन भी नहीं हो। तो इन तमाम चीजों को सुनिश्चित किया गया और यही चीज जो है यहाँ देखी भी जा रही है कि एक तरफ डॉक्टर्स की टीम इलाज कर रही है, दूसरी तरफ पुलिस और प्रशासन शांति बहाली कर रहा है, और साथ ही साथ जो आरोपी पक्ष है उसके खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई करके मैसेज भी दे रहा है कि इस तरह की जो घटनाएं हैं इनमें चाहे जिस किसी की भी संलिप्तता हो उसे बख्शा नहीं जाएगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और कल पुलिस अधीक्षक ने भी एक बात साफ करी थी, जिला कलेक्टर ने भी एक बात साफ की थी और वो यही थी कि ये जो पूरा घटनाक्रम है इसकी तह तक जाएंगे, अगर कोई किसी भी तरह का कोई इन्वॉल्वमेंट है तो वो भी ट्रेस आउट किया जाएगा, और इसको लेकर भी पुलिस की एक टीम जो है अलग से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और देखिए जो घटनास्थल था भटियानी चौटा का राजकीय विद्यालय, वहां पर FSL की टीम पहुंची थी, जरूरी साक्ष्य जो है वो जुटाए गए, और कल ही पुलिस ने जो आरोपी छात्र है और उसके जो पिता हैं उनको कल ही गिरफ्तार भी कर लिया था। तो कुल मिलाकर आप देखिए कि जो घटनाक्रम हुआ बेहद तेजी से घटनाक्रम के आयाम बदले, लेकिन उन्हीं के अनुरूप जो है जिला प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने भी अपने कार्यशैली को बदला, जो चीज जहां पर जिस तरीके से संभव हो सकती थी उस तरीके से करने की कोशिश की। जो विरोध कर रहे थे इस पूरे घटनाक्रम में, कार्रवाई की मांग कर रहे थे, तो उनकी जो न्यायोचित जो मांगे थी उनको भी एक तरीके से स्वीकार किया, और जो आरोपी पक्ष है उसके घर को, अगर घर इलीगल बना हुआ है, जमीन इलीगल है, तो उसको भी उस पर भी न्याय करने की कोशिश की। और यही वजह है कि रातों रात ये जो जगह है दीवानशाह कॉलोनी में जो घर है उसको आइडेंटिफाई किया, उसका पूरा जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है वो खंगाला गया, और रेवेन्यू रिकॉर्ड के मार्फत ही पता चला कि ये जो जगह है ये पूरी तरीके से फॉरेस्ट लैंड है, वन विभाग की जमीन है, इस पर किसी भी तरह का निर्माण जो है वो नहीं हो सकता था, और ये निर्माण जो हुआ है तो उसको तोड़ने की कवायद जो है वो भी प्रशासन ने शुरू की। तो हर एंगल पर पुलिस और प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है, राखी का त्यौहार आने वाला है, ऐसे में बाजारों में फिर से रौनक लौटे इस बात को भी ध्यान रखा जा रहा है। बाजार आज सुबह से, जैसा हमने देखा भी कि आज सुबह से बाजार थोड़े थोड़े खुलना शुरू हुए, कुछ जगहों पर जो है पूरे के पूरे बाजार खुले हुए नजर आए, हालांकि कुछ व्यापारियों ने एहतियातन अपने प्रतिष्ठान नहीं खोले, और दूसरी तरफ इंटरनेट सेवाएं जो है वो सस्पेंड की हुई है शाम रात 10 बजे तक के लिए, और सभी स्कूल जो है उनमें छुट्टी कर दी गई। तो हर तरीके से प्रशासन पुलिस। तो उदयपुर की स्थिति आपने देखी, जिस तरह से घटना सामने आती है पूरे देश में लोग हैरान हो जाते हैं, हालांकि अब बुलडोजर कार्रवाई हो रही है।